स्वागत है दोस्तों आपका फ्लाइंग फेदर्स में। मेरा नाम है नीरव। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है टेस्ट डे टिप्स के बारे में। मैं आपको काफी सारे टिप्स देने वाला हूँ टेस्ट डे के लिए, तो हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। दोस्तों टेस्ट डे के दिन आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना है। सारी चीजें मैं आपको अच्छी तरह से ये वीडियो में समझाने वाला हूं, तो हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। यहाँ पे सबसे पहले, अगर आप वो सिटी में नहीं हो जहां पे आप एग्जाम देने वाले हो, तो एटलीस्ट एक वीक पहले या एक दिन पहले जाके वो टेस्ट सेंटर विजिट कर लो, ताकि आपको वो ढूंढने में टाइम ना लगे। क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो शायद से आपको वहां पे एक नई डेट दे दी जाएगी, वहां पे फिर से आपको आना पड़ेगा, सारी स्ट्रगल आपको फिर से करनी पड़ेगी। तो वहां पे मोटो ये कि आपको टाइम पे पहुंचना है, तो एक दिन पहले या एक वीक पहले आके आप टेस्ट सेंटर को विजिट कर लो, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, आप समय सर वहां पे पहुंच जाए। एक चीज और ध्यान में यहाँ पे आपको ये रखनी है कि आपको एटलीस्ट एक घंटा पहले टेस्ट सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रोसीजर होती है। वो आपका आईडी लेंगे, फोटोग्राफ लेंगे, उसके बाद आपको सीट देंगे, और ऐसा हर एक स्टूडेंट के साथ करेंगे, तो उसमें टाइम लगता है। तो एटलीस्ट आपको एक घंटा पहले आ जाना है, ताकि आपको उस एरिया में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, ये सुबह में आपको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट या ऐसे कोई लाइट ब्रेकफास्ट कर लेना है, ताकि वो इतना हैवी ना हो जाए, क्योंकि ड्यूरिंग टेस्ट वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए टाइम के साथ साथ, वो टाइम जो आप वॉशरूम में जाओगे वो भी मैनेज करना। तो यहाँ पे हो सके तो लाइट ब्रेकफास्ट कीजिए, थोड़ा कम पानी पीजिए। एंड एक और चीज ध्यान में रखिए, जो हॉल है वहां पे एसी फास्ट हो सकता है, तो अगर आपको लगता है कि बहुत ही फास्ट है तो पहले ही उन्हें बोल दीजिए, वरना बहुत ही कोल्ड एनवायरमेंट हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी कॉन्सेंट्रेट करने में। ये हो गई दूसरी टिप। अब थर्ड टिप है, ऐसी कोई भी चीज ना ले जाए जिससे आपको दिक्कतें हो सके। यहाँ पे हो सके तो कोई भी पेन ड्राइव, डिक्शनरी, या फिर कोई भी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज या कोई ऐसा गैजेट मत ले जाइए। हो सके तो अगर आपके पास स्मार्ट बैंड, स्मार्ट घड़ी भी है तो भी मत ले जाइए, उसे घर पे ही छोड़ के आइए, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज वो लोग एलो नहीं करेंगे। वहां पे आपको सिर्फ तीन चीज एलो करेंगे, पेंसिल, पेन, इरेजर। उसके अलावा पासपोर्ट आप ले जा सकते हो वेरिफिकेशन के लिए, उसके अलावा आपको कोई भी और चीज वो अंदर नहीं ले जाने देंगे। वहां पे एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपके पास इरेजर है, शार्पनर, उसके ऊपर जो रैपर आता है ना, वो भी वो अंदर नहीं ले जाने देंगे। तो ये सारी चीजों का आप पहले से ही ध्यान रखो, पहले से ही उसे निकाल के रखो, ताकि आपका वहां पे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सीट पे बैठ गए हो, लिसनिंग एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, सबसे पहले वो एक टेस्ट ऑडियो बजाएंगे। टेस्ट उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिसनिंग टेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टेस्ट ऑडियो के बारे में, जो टेस्टिंग के लिए वो बजाते हैं कि सभी के ईयरफोन्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उस टाइम पे आपको प्रॉपरली सारी चीजें चेक करनी है कि आपको साउंड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा, उसी टाइम पे गेट इट रिप्लेस्ड, नया ले लीजिए, वो देंगे, इसीलिए वो ऑडियो को बजाया जाता है, उसका पूरा फायदा उठाएगा। क्योंकि अगर ड्यूरिंग टेस्ट अगर आपका हेडफोन खराब होता है, वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन पहले से ही खराब है और आप चला रहे हो, टेस्ट में दिक्कत होगी, जो ऑडियो है वो पॉज बिल्कुल भी नहीं होगा। इन बिटवीन वो आपको बदल के तो देंगे, लेकिन आपके एक दो आंसर्स या आपका वो प्रिपरेशन वाला टाइम जो है, जो आपको लीजर टाइम मिलता है, वो आपके हाथ से निकल जाएगा, जिससे आपको आगे बहुत सारी दिक्कतें होगी। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत छोटी है, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है, ताकि कोई दिक्कत आपको एग्जाम में ना हो। फोर्थ टिप जो है वो छोटी है, कभी भी आप चीट करने का ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे अगर आप पकड़े गए तो उसका रिजल्ट बहुत ही बुरा आने वाला है। यहाँ पे एक लास्ट टिप मैं ये देना चाहूंगा कि अगर आप मेडिकली इल हो, अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट उन्हें बताइए मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, ताकि आपको रिफंड मिल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन जो चार्जेस होता है वो कट करेगी, बाकी के पैसे आपको रिफंड करेंगे, लेकिन आपको विद इन 5 डे एक्शन लेना पड़ेगा, उनको ये चीज बतानी पड़ेगी। तो ये मैं जो सारी चीज आपको बताई वो बहुत बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, वो चीट करने जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो फिर बैन लग जाता है उनपे, बहुत सारी दिक्कतें होती है, प्लस वो काफी बार ऐसी चीजें लेके चले जाते हैं जो कॉस्टली होती है, और फिर वो एग्जाम सेंटर में नहीं ले आ पाते, वहां पे भी दिक्कत बढ़ती है। तो ये सारी चीजों का आपका ध्यान रखना है, आपकी एग्जाम है, टाइम टू टाइम पहुंचना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं। एक बार अगर आप प्रायर विजिट करोगे तो बेटर रहेगा, ताकि आपको साइट का पता रहे। डॉक्यूमेंट प्रॉपरली आपको लेके जाने हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, अगर आपके पास वो, अगर आप
LRW दे चुके हो, लिस्टिंग राइटिंग एंड रीडिंग, तो आपके पासपोर्ट के पीछे कोई स्टिकर लगा दिया जाएगा टेस्ट का और ऐसा कुछ, वो भी आपको लेके जाना है, तो वो सब चीज वेरीफाई करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको टेस्ट डे पे करनी है एंड ध्यान में रखनी है। तो बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर आपको फ्लाइंग फेदर से पर्सनल कोचिंग चाहिए, हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर से कोचिंग देते हैं। अगर आपको चाहिए तो ब्रांच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिलेगी। अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फ्लाइंग फेदर्स को, साथ ही दबाए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। जल्दी एक फ्रेश कंटेंट के साथ से मुलाकात होगी, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।